नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्र और आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज छत्तीसगढ़ बंद है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बजरंग दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का इस बंद को समर्थन मिला है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सहयोग लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बिलासपुर में कमोबेश सारी दुकानें बंद हैं। यद्यपि शर्तों के अनुसार मेडिकल दुकानें, जिला चिकित्सालय या अस्पताल, डेयरी और तमाम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सामान्य दिनचर्या के एसेंशियल वर्क में आते हैं उन्हें खुला रखा गया है। यद्यपि आप बिलासपुर के सबसे ऊंचे स्थान से देख रहे हैं, यद्यपि ट्रैफिक व्यवस्था यथावत है, रोज की तरह है, लेकिन दुकानें सभी बंद हैं। हाँ, कुछ आधे शटर गिरे हुए हैं, कुछ उठे हुए हैं। आपको जानकारी देते चलें, कुछ दिनों पहले उदयपुर में एक घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने दर्जी के दुकान में घुसकर उसका गला रेत दिया। इसके बाद पूरे देश में इस वारदात को लेकर भयंकर आक्रोश है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ विश्व हिंदू परिषद की शाखा ने फैसला किया कि अपने आक्रोश को जाहिर करने के लिए इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ प्रदेश को बंद किया जाएगा। इसी क्रम में आज बिलासपुर में आप देख सकते हैं कैमरे में कि बंद काफ़ी सफल नज़र आ रहा है। यद्यपि मेडिकल दुकानें खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, पेट्रोल पंप खुले हैं और डेयरी दुकानें खुली हैं। प्रांतीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर ललित माखीजा जी से। ललित माखीजा जी, ये घटनाक्रम को लेकर जो आंदोलन है, आपको इस आंदोलन को सफल बनाने में कितना मेहनत करना पड़ा? विगत दिनों से देश में देखा जा रहा है कि जेहादी मानसिकता बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को कानून और संविधान मानना नहीं है, मस्जिद से निकलते हैं, दंगे करते हैं और अगर किसी की बात पसंद नहीं आती तो उसका गला रेत के हत्या कर देते हैं, तो इस तरह की बातें हमारे देश में कतई मंजूर नहीं की जाएगी। हमारा देश कानून और संविधान के हिसाब से ही चलेगा। इसके अलावा कोई भी बात मंजूर नहीं की जाएगी। इस तरह की आग लगाने की जो बात की जा रही है वो आग हिंदू समाज भी लगा सकता है। हिंदू समाज क्यों नहीं लगाता? क्योंकि इसको अपना देश मानता है, उसको उसके पूर्वजों ने रक्त और अपने पसीने से ही सींचा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे राष्ट्र का कोई नुकसान हो, पर हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस तरह की घटनाओं को रोक लगाए और इस तरह की घटनाएं न हो, और हो तो उसको त्वरित कार्रवाई करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और ऐसे कड़े कानून लाए जिसमें सिर्फ हत्या करने वालों को नहीं, उसके पीछे जितना बड़ा तंत्र लगा है उसकी जड़ें खोद के उसको समूल नष्ट करना ही अनिवार्य है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस सब घटनाओं को खत्म करने के लिए एक बड़ा जो डिसीजन लेना पड़ेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। एक सवाल और उठता है कि अभी आप आंदोलन इस बंद को लेकर शहर भ्रमण किए हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ दुकानें खुली भी मिली कि नहीं मिली, या आपको कितना मेहनत करना पड़ा? ये जो मैंने अपनी भावना व्यक्त की, ये भावना हर नागरिक की भावना है, सिर्फ मेरी भावना नहीं है। आज जो स्वस्फूर्त बंद हुआ है ना, वो तो आह्वान हमने किया है, उनके अंदर में उबाल था, वो उन्होंने अपने से बंद किया है। सिर्फ हमको बोलने भर की देर थी कि ये कारण से हम बंद कर रहे हैं। उन्होंने हमको बैठा के और हमसे ज़्यादा उन्होंने व्यक्त किया है कि दुख को, और स्वस्फूर्त बंद हुआ है। जितने हमारे संगठन हैं, जितने व्यापारिक संगठनों ने हमको बहुत मन से इस आह्वान को स्वीकार किया और स्वस्फूर्त बंद किया। स्वस्फूर्त बंद होने से ये पता चलता है कि कितनी मन में पीड़ा है लोगों के इस तरह की घटनाओं के, और देश का नागरिक क्या चाहता है। तो मैं समझता हूँ सबके अंदर से गूंज रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष से बात किए हैं, डॉक्टर ललित माखीजा जी से। भारतीय जनता पार्टी का इस अभियान को या इस बंद को समर्थन हासिल है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि आपका किस प्रकार का विश्व हिंदू परिषद के इस बंद के समर्थन हासिल है। उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या की गई, उसका गला रेत के, वो एक कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण नीति का परिणाम है। उस व्यक्ति ने, व्यापारी ने पहले भी वहाँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरे को ऐसी धमकियाँ मिल रही है, लेकिन कांग्रेस जहाँ जहाँ सत्ता में रहती है तुष्टिकरण नीति के तहत इन तत्वों पर वो कार्रवाई नहीं करती। उसी का परिणाम है
और अभी जो NIA की जांच से पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, ये कांग्रेस सरकार की वहाँ विफलता है। जहाँ तक आज इस बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सब जितने भी आनुषांगिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी भी RSS का एक आनुषांगिक संगठन है, हम सब एक परिवार के लोग हैं। अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए अलग अलग इकाइयां बनाई हुई है, तो सब लोग मिलजुल के ही उस कार्य को में सब लोग की भागीदारी रहती है। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है, इसका पूर्ण रूप से हम समर्थन करते हैं। यह बंद का आह्वान क्यों किया गया, आज तक हमने देखा, ये हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। इस तरह तालिबानी सोच हिंदुस्तान के अंदर पैदा क्यों हुई? सबसे पहले हम जड़ को काटें। आज हम देखते हैं जिस तरीके से गला रेत कर हत्या की गई, राजस्थान का कल्चर है, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम देखते हैं राजस्थान का कल्चर है, कल्चर को पूरी दुनिया मानती है। उस कल्चर वाले स्टेट में गला रेत कर इस तरीके से जो माहौल वहाँ पर ख़राब किया जा रहा है, क्यों? कोई ना कोई तो शासन वहाँ पर सपोर्ट उसको मिल रहा है, बिना कोई सपोर्ट के क्या इतनी बड़ी व्यवस्था कोई किया सकती है? जैसा कि अभी NIA की रिपोर्ट अभी धीरे खुल के आ रही है कि इसकी बड़ी बहुत बड़ी चैन है जो काम कर रही है, एक व्यक्ति का काम नहीं है। हमको जड़ को काटना पड़ेगा, ऐसी सोच को हमेशा ख़त्म करनी पड़ेगी। इस बंद के आह्वान से हम ये साबित करना चाहते हैं कि दोबारा कभी भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस सोच को हमेशा जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा ताकि कभी भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि यह जो गला रेत कर जिस तरीके से हत्या की गई, ये हमारे सनातन परंपरा जो हमारी चलती आ रही है आज तक, उसमें कहीं दूर दूर तक हमने आज तक सुना और देखने को नहीं मिला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या भाजपाईकरण हो रहा है क्या? चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी भी दलगत समर्थन कभी नहीं करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है उसका समर्थन करता है, उसका विरोध करता है। युवा ब्रिगेड के अच्छे खासे वक्ता और शिक्षाविद ब्रिजेश शुक्ला से बात करते हैं। आपने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, तो ये जो आह्वान आप किए हैं, इसका कितना असर आपको बिलासपुर में होता हुआ दिखाई दे रहा है? हम देख रहे हैं कि समाज स्वतः स्फूर्त होकर इस बंद में हमारे साथ है, और जो उदयपुर में कन्हैया कुमार की एक अमानवीय तरीके से जो हत्या की गई है, तो समाज ये मान रहा है कि घटना हमारे बिलासपुर में भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की घटना महाराष्ट्र में भी हो चुकी है, उसे मीडिया ने दिखाया नहीं। और आज जो देश विदेश में, केवल भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी जो एक सोच कार्य कर रही है, जो सभ्य समाज के, मानव समाज के विरोध में है, उस सोच को समझकर और उसे समाप्त करने का एक संकेत है बिलासपुर वासियों द्वारा। निखिल केशरवानी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के बंद के आह्वान से ये सोच खत्म होगी क्या? निश्चित तौर पे देखिए, आज सारा हिंदू समाज, खुद से चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे शिक्षित व्यक्ति हो, आज कहीं ना कहीं बंद को पूरा समर्थन कर रहा है। और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार रही है, आज हिंदू व्यक्ति, हिंदुत्व इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। आज छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो धर्मांतरण कांग्रेस साथी सरकार के कारण धर्मांतरण जोर शोर से हो रहा है, और राजस्थान में भी इस तरह की जो घटनाएं हुई है, इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करता है। विकास शर्मा जी बताएंगे कि आपने अभी पूरे शहर का एक बार तो भ्रमण कर ही लिया है, क्या नज़र आता है आपको? जी भाई साहब, देखिए कल है रविवार का दिन, पूरा बिलासपुर रविवार को बंद होता है, और सभी व्यापारीगण आज अपनी दुकानें स्वतः बंद कर दिए हैं, मतलब उनको दो दिन का नुकसान हो रहा है। जो व्यापारी दो दिन अपना नुकसान सह सकता है, सोचिए उनके मन में क्या पीड़ा होगी, क्या टीस होगी। कल हम सब व्यापारीगण के पास गए थे, उनसे अनुरोध किया, सब ने कहा कि हम स्वस्फूर्त दुकान अपनी बंद कर देंगे। तो आपको क्या नजर आया अभी इस भ्रमण के दौरान? सभी बिल्कुल बंद हमारी भरपूर सफल है, सभी लोगों का सहयोग मिला है, इसमें हिंदू नहीं कुछ मुस्लिम लोगों की दुकानें भी बंद है, सभी वर्गों के, सभी समाजों के लोगों ने हमें समर्थन दिया है। ये हिंदुओं के लिए कहा कि मुसलमानों के लिए? ये सभी के लिए है, जिस व्यक्ति को पीड़ा होगी विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़ा होगा। जिस व्यक्ति को पीड़ा होगी वो विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़ा होगा। विकास शर्मा का स्पष्ट कहना है कि यह असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक चेतावनी भरा बंद का आह्वान था। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद का यह अभियान काफी कुछ सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उपस्थित
वक्ताओं ने बताया कि यहाँ पर न केवल हिंदुओं का समर्थन मिला है बल्कि मुसलमानों का भी समर्थन हासिल है। हर वर्ग के लोग स्वस्फूर्त बंद में अपना योगदान दिया है। गोल बाजार से सीजी वाल के लिए भास्कर मिश्र की रिपोर्ट। कहीं पर भी जोर जबरदस्ती का मामला कुछ सामने आया? अभी तक इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि हमें सहयोग करें और बंद कराएं। इस टाइप से इसके द्वारा जबरदस्ती का कहीं से कोई नहीं है।